Hello, students. Today I am going to explain the same chapter number system. Students, in class 4th, you will learn about the large numbers, that is, 6 and 7 digit numbers. Already in the previous class, I have explained some of the important topics about these numbers. So, today I will explain some more interesting things about large numbers today you will learn the last three topics of this chapter that is skip counting comparing large numbers and then how to form the large numbers let us understand what is skip counting skip counting means the digits are skipped by any number which occur in between while counting the numbers or इन मैथ्स स्किप काउंटिंग कैन be डिफाइंड एज द method ऑफ काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड by numbers अदर देन 1 टू स्किप काउंट वी कीप एडिंग द सेम नंबर ईच टाइम टू द प्रीवियस नंबर मतलब हम एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ हमें काउंटिंग बाय टूज करना है यानी दो दो के अंतर पर नंबर्स लिखने हैं जीरो से शुरू करते हुए तो हम जीरो में टू ऐड करेंगे जिससे टू आएगा अब टू में टू ऐड करके हम अगला नंबर निकालेंगे जो कि फ़ोर होगा अब फोर में टू ऐड करके सिक्स आएगा जो कि अगला नंबर है और अगला नंबर निकालने के लिए हम सिक्स में टू ऐड करेंगे तो एट आएगा इसी तरीके से हम आगे के नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे ऑल दो एडिशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे टू फाइंड द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ स्किप काउंटिंग बट सर्टेन ट्रिक्स आर देयर लेट्स सी वट आर द ट्रिक्स हम एग्जाम्पल देखेंगे काउंटिंग बाई टेंस का यहाँ दोनों तरीके से हमने अगले नंबर्स को फाइंड आउट किया है एडिशन की मदद से भी और दूसरा तरीका ये होता है कि आप टेंस की प्लेस पे क्योंकि काउंटिंग बाई टेंस है तो टेंस की प्लेस पे आप एक एक नंबर इंक्रीज करते जाइए इसी तरह से आप काउंटिंग बाई हंड्रेड्स का एग्जाम्पल देखेंगे या तो आप हंड्रेड ऐड करके अगली संख्या निकाल लीजिए या फिर आप हंड्रेड्स की प्लेस पर वन वन इंक्रीज करते जाइए यही तरीका हम लार्ज नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो लैक्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स यानी वन और जीरो वाली संख्या है तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इन मैथ्स टू कंपेयर मींस टू एग्जामिन द डिफरेंसेस बिटवीन नंबर्स क्वांटिटीज और वैल्यूज टू डिसाइड इफ इट इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू अनदर क्वांटिटी। लेट्स सी द रूल्स ऑफ कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स रूल नंबर वन इफ़ टू नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवेन देन द नंबर विद मोर डिज़िट्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ग्रेटर मतलब अगर आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है या बताना है कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है तो सबसे पहले दिए गए नंबर्स में डिजिट्स को काउंट कीजिए जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वो ही बड़ा होता है 999 और 1000 में थाउजेंड हमेशा नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन से बड़ा होगा क्योंकि नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में तीन डिजिट्स हैं जबकि थाउजेंड में चार रूल नंबर टू वैन द नंबर ऑफ डिजिट्स इज द सेम देन वॉट वी विल डू मतलब अब अगर डिजिट सेम हैं तो हम क्या करेंगे नाउ कंपेयर द डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट द नंबर विद द ग्रेटेस्ट डिजिट ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर हम लेफ़्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करने का मतलब है लेफ्ट से दोनों नंबर्स की सबसे पहली डिजिट देखेंगे अगर ये बराबर हैं तो लेफ़्ट से दूसरे डिजिट्स को देखेंगे अगर ये भी बराबर हैं तो उसके बाद वाली तीसरी डिजिट को देखेंगे और इस तरीके से जब तक बड़ी डिजिट ना आ जाए तो हम अगली डिजिट्स को कंपेयर करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपेरिजन you can arrange the numbers in ascending and descending order now we will learn how to form the greatest number or smallest numbers here i will explain the two different situations let's see the first situation in this situation you have to form greatest and smallest number with the help of six digits मतलब हमें सिक्स डिजिट्स का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फॉर्म करना है सिक्स डिजिट्स की ही मदद से यानी यहाँ डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे एक डिज़िट को हम यहाँ एक बार ही यूज़ करेंगे रिमेंबर टू बिल्ड टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर वी विल राइट द डिज़िट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लेट्स अंडरस्टैंड द सेम विद द हेल्प ऑफ एक्सैम्पल

तो सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनेगा फाइव लैक फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टेन सिमिलरली यू कैन फॉर्म द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ सेम डिजिट्स दैट इज फाइव फोर थ्री वन ज़ीरो एंड टू टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यू विल अरेंज दीज डिजिट्स इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े क्रम में सो द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सिक्स डिजिट्स विल बी वन लैख 2345 मतलब अब इन्हीं नंबर्स की मदद से सबसे छोटा नंबर बनेगा वन लैख टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव रिम्बर डू नॉट बिगिन द नंबर विद ज़ीरो नंबर हम कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे राइट ज़ीरो आफ्टर द स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब ज़ीरो को ज़ीरो के अलावा जो सबसे छोटा नंबर है उसके बाद लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पर लिखा जाता है Now let us understand the second situation. In this situation, you have to form the largest six and smallest six digit number with the help of four digits. That is two, four, one, and three. मतलब चार डिजिट्स की मदद से छः डिजिट का नंबर फॉर्म करना है मतलब हमें किसी न किसी डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा सो टू फॉर्म स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट टू फोर वन एंड थ्री वी विल रिपीट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज वन सो नंबर विल बी वन लैख एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर यानि तीन बार वन उसके बाद टू फिर थ्री फिर फोर क्योंकि डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसलिए तीनों वन हम पहले लिखेंगे और उसके बाद टू थ्री और फोर लिखेंगे इसी तरह लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम सबसे बड़े डिजिट को रिपीट करेंगे यानी कि फोर को रिपीट करेंगे तो नंबर बनेगा तीन बार फोर उसके बाद टू और वन यानी फोर लैक फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन चिल्ड्रेन आई होप विद दिस इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी एबल टू नो मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज नंबर्स थैंक यू